Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 12 area related to the circles. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle and use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. इसके लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर हो गया O और इसकी कॉर्ड है, ये हमारी AB is a chord, ठीक है? रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री और हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हो गई ये, ठीक है? पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसके एरिया के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हमारा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, थीटा है 60 अपॉन 360 इनटू पाई लेना है हमें 3.14 और आर गिवन है 15, ठीक है? जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, सिक्स से ये सिक्स टाइम कैंसिल हो गया, ये डेसिमल हटाया 100 आ गया, 5 से 3 ये हो गया 20 एंड फिर से 5 से 3 और ये आ गया 4 और इस 3 से ये हो गया कैंसिल 2 और इस 2 से आ गया ये 157, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आ गया 157 into 3 divided by 4 ये आ जाएगा हमारा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। 60 डिग्री जब एंगल होता है तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री हो जाते हैं बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल हैं। जब ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और जब ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये 60 है तो ये भी 60 आ जाते हैं। मतलब अगर सेंटर एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है? और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा फिर? रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है? ए क्या है हमारी? आर। तो रूट 3 अपॉन 4 आर स्क्वायर लिख सकते हो। रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है हमने 1.73 अपॉन 4 और आर गिवन है 15 इंटू 15, ठीक है? 15 और इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा यहाँ पर 100, देन ये 3 और ये आ गया 20, देन 3 ये आ गया 4 और जब हम इसको 173 इंटू 9 करेंगे, 173 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 16 तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर ये आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर ये आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो 117.75 माइनस 97.3125 और माइनस करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया, राइट? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई है 3.14 इंटू 15 इंटू 15 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल और अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है हमारा? ये 706.5 और इसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे 20.4375 और हमारा आंसर आ जाएगा 5260.5
6.686 cm². होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।